सत श्री अकाल दोस्तों, इस वीडियो में असीं देखांगे कि ग्रनेड किवें काम करता है। अक्सर असीं फिल्मों में देखते हाँ कि किवें कोई व्यक्ति ग्रनेड की पिन कढ़दा है तो सुट देंदा है तो बाद विच एक बहुत वड्डा ब्लास्ट हो जाता है, पर असल विच असीं यह नहीं जानते कि हैंड ग्रनेड काम किवें करता है। अगर गल करिए एक ग्रनेड की, तो ग्रनेड साइंटिफिक मैकेनिज्म अते कैमिकल सर्किट से काम करता है। सब तो पहला देखते हाँ ग्रनेड विच हुंदा की है। ग्रनेड का 80% भाग एक्सपलोजिव यानी विस्फोटक समगरी नाल भरिया हुंदा है। इस विस्फोटक मटीरियल या समगरी नू इस जगह तो पाया जाता है जिसनों फिलिंग होल भी कहा जाता है। तो बचे हुए 20% भाग विच कैमिकल सर्किट हुंदा है जिस दी वजह नाल ग्रनेड ब्लास्ट हुंदा है। मन लो अगर यह हिस्सा ना हो तो ग्रनेड ब्लास्ट नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कि तुसी यह सोचते होवो कि सेफ्टी पिन कढ़न नाल ब्लास्ट हुंदा है, पर अजिहा नहीं है। इस सेफ्टी पिन का काम सिर्फ स्ट्राइकर लीवर नू अपनी जगह पर बनाए रखना है। तो यह सारा खेड इसे स्ट्राइकर लीवर का ही है। तो वह किवें, आओ देखते हाँ। ग्रनेड के उपरी हिस्से से एक लोडेड स्प्रिंग लग्या हुंदा है जो कि सेफ्टी पिन के सहारे टिकया हुंदा है। अगर यह सेफ्टी पिन कढ़ दित्ती जावे तो स्प्रिंग अपने आप घूमन लग जाएगा। हुण इस नू स्ट्राइकर लीवर दे नाल देखदे हाँ। सेफ्टी पिन निकलेगी, स्प्रिंग घूमेगा ते स्प्रिंग घूमते समय स्ट्राइकर लीवर नू ग्रनेड नालों वखरा कर देगा, पर ग्रनेड नू सही तरह फड़े बिना सेफ्टी पिन नहीं निकलेगी। मतलब यह कि सेफ्टी पिन नू कढ़न तो पहला ग्रनेड नू इस तरीके नाल फड़िया जाता है, फिर दूसरे हाथ नाल या दंद नाल पिन नू कढ़िया जांदा है। हुण भावें ग्रनेड नू इस पोजीशन विच 100 साल तक फड़ के रखो पर ग्रनेड नहीं फटेगा क्योंकि स्ट्राइकर लीवर ग्रनेड तो वखरा नहीं होया है। पर जिवें ही तुसी ग्रनेड नू हवा विच सुट्टोगे तो स्ट्राइकर लीवर ग्रनेड तो वख हो जांदा है ते ब्लास्ट हो जाएगा। हुण देखदे हाँ कि स्ट्राइकर लीवर ग्रनेड तो वख हुंदे ही ब्लास्ट क्यों हुंदा है। ओह इस लई क्योंकि स्प्रिंग जिवें ही घूमेगा तो स्ट्राइकर नाल लग्या नीले रंग का स्ट्राइकर हैड भी अपने आप घूम जाएगा ते नाल ही स्ट्राइकर अपनी जगह तो हट जाएगा ते पूरी ताकत नाल इस परकशन कैप नाल जा टकराएगा। पूरी ताकत नाल इस करके क्योंकि स्ट्राइकर नाल स्प्रिंग पूरे प्रैशर नाल स्ट्राइकर नू टकराउण विच मदद करता है। तो जिवें ही स्ट्राइकर परकशन कैप नाल टकराएगा तो कैप नाल टकराउंदे ही चिंगारी पैदा होएगी जिस नाल कैमिकल नू अग लग जाएगी। यह एक स्पैशल तरह का कैमिकल हुंदा है। खास गल तां इह है कि कैमिकल की अग नू डेटोनेटर तक पहुँचने तक घट्टो घट 4 सैकंड का समा लग जाता है क्योंकि यह ग्रनेड ब्लास्ट होने के टाइम विच डिले करता है जिस करके इस भाग नू कैमिकल डिले भी कहा जाता है। डेटोनेटर नू अग लगन तो बाद डेटोनेटर विच एक छोटा जा ब्लास्ट हुंदा है जिस नाल मेन एक्सप्लोजिव जो पूरे ग्रनेड विच भरिया हुंदा है उस नू अग लग जाती है तो बहुत वड्डा ब्लास्ट हो जाता है। इस सारे प्रोसैस नू पूरा होने विच 6 सैकंड का समा लगता है। ग्रनेड की बाहरी परत या शैल यानी कि यह हिस्सा साइरेटेड कास्ट आयरन तो बनता है। साइरेटेड कास्ट आयरन मतलब तिखा ते नुकीला कच्चा लोहा। इस मटीरियल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ब्लास्ट होने के बाद यह लोहे के छोटे छोटे टुकड़े गोली की स्पीड नाल दुश्मन के शरीर विच लगन। इस नाल दोहरा नुकसान हुंदा है, एक जो ब्लास्ट हुंदा है तो दूजा जो ब्लास्ट होने के बाद लोहे के टुकड़े वजना। ग्रनेड ब्लास्ट के 5 मीटर के खेत्र विच दुश्मन की जान जाना लाजमी है ते 5 तो 10 मीटर के खेत्र विच आदमी पूरी तरह घायल हो जाता है। वैसे तो ग्रनेड बहुत तरह के होंदे हन, पर जिस ग्रनेड बारे असी तुहानू दस्या है यह सब तो वध इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रनेड है। इसका पूरा नाम है टाइम डिले फ्रैगमेंटेशन एंटी परसोनल हैंड ग्रनेड। इस ग्रनेड के फायदे तो बहुत हैं पर सब तो वड्डी कमी यह है कि अगर दुश्मन नू समय मिलिया तो वह तुहाडे द्वारा सुट्टिया गया ग्रनेड तुहाडे उपर ही दुबारा सुट सकता है क्योंकि इस ग्रनेड नू फटन लगे 6 सैकंड का समय लग जाता है। इस कमी नू पूरा करन लई दूसरे नंबर ते सब तो वध वरत्या जाण वाला ग्रनेड है इंपैक्ट ग्रनेड। इस ग्रनेड विच टाइम का कोई मैटर नहीं हुंदा, सगो मैटर हुंदा है इस नू टकराउण दा। मतलब यह कि ग्रनेड की सेफ्टी पिन कढ़न तो बाद जदों भी किसी चीज़ नाल ग्रनेड टकराएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। अगर यह वीडियो चंगी लगती है तो साडे चैनल नू सबसक्राइब कर सकते हो ते नाल ही बैल आइकन ते क्लिक करके घंटी नू ऑन कर सकते हो ता जो एदां दीआं ही रोचक वीडियो तुहाडे तक पहुँच सकन। धन्यवाद।